सो गाइज, मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कल वीडियो के दौरान, तो आप सब ने उसका आंसर दिया कि मेरी हाइट कितनी है। कुछ लोग बोल रहे हैं 5'10", कुछ लोग बोल रहे हैं 6 फुट, कुछ लोग बोल रहे हैं 5'8", 5'6", 5'5", लाइक दैट। तो मैं आपको खुलासा कर देता हूँ कि मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच। अगर मैं शूज़ डालता हूँ तो 6 फुट का लगता हूँ। हालांकि अगर फोटो में आप देखो कि इतना लंबा नहीं लगता हूँ, बट कोई सामने आता है तो उसको समझ आ जाता है कि मैं 6 फुट का हूँ। हाँ जी, हाइट है मेरी इतनी। हाँ जी, ये बात सच है। और ये जो है ये भी लंबू है, ये भी आपको छोटा लग रहा होगा, बट ये मेरे साइज़ का है, मतलब 5 फुट 9-10 इंच का होगा ये बंदा। 1 या 2 इंच कम है मुझसे, बस ज़्यादा नहीं। अभी हुआ मेरे ये। से भी लंबा है, हाँ, ये भी मेरी कितने 5 फुट 8 इंच 9 इंच रहेगी ये, 8-9, 5 फुट 8-9 इंच। और ये इससे लंबा है, 5 फुट 10 इंच लगा लो। ये बंदा सही है, लंबे हैं हम। अच्छा, आप सबको एक ना मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरी तबीयत आज देखो, मेरी आँखें कैसे दिख रही हैं, नाक मेरी बंद है। वीडियो शूटिंग करने की हालत में नहीं हूँ मैं आज, सच में। और मैं एंजॉय करके एर्थरल देखना चाहता हूँ, तो आज एक ही वीडियो आ रही है, तो गुस्सा मत करना यार, ठीक है जी? प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, दूसरी वीडियो नहीं ला पाऊँगा, मेरे में ताकत नहीं है आज, बिल्कुल ताकत नहीं है मेरे में, कसम से ताकत नहीं है। फिर भी काम है अपना, करना पड़ेगा अपने को, चाहे मैंने बोला था चाहे कुछ हो जाए, मैं बीमार भी होऊंगा तो भी मैं शूटिंग करूँगा। तो वही, आज थोड़ी मेरी हालत जाम है। एंड कल है थर्सडे, सो कल थर्सडे है, तो कल अगर लाइट नहीं हुई तो वीडियो नहीं आएगी। थर्सडे को लाइट नहीं होती है हमारे मोहल्ले में, तो उसका भी गुस्सा मत करना। तो आई नो कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, मेरे खुद को होगा, मेरे खुद को देखना है, बट क्या करें। मुझे आई होप आप समझेंगे, समझेंगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप समझ लिख दो, गए। समझ गए। गालियां मत देना बस। ना 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 गाल नहीं कटनी। ओ भाई, तो बहुत गुस्से के प्यार। इमोजी डालेंगे। नहीं 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 बहुत प्यारे हैं सब यार, हाँ, बहुत सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं बहुत यार, अच्छे। बहुत। इतना कुछ, इतने जो भी मैं, मेरे को कुछ भी दिक्कत होती है कुछ समझने में, सारे भाई कमेंट करना, हाँ, वही सारे सारे लाइन लगा कमेंट देते। लाइन लगाते हैं और सब अच्छे से बताते हैं भाई। बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत मेरे को तो बहुत। नाम भी याद है सबके, मैं सच बता रहा हाँ, हूँ। मुझे भी। मैं अभी बोलूँगा ना अगर नाम, तो फिर कुछ का नाम नहीं लिया तो हमको बुरा लग जाएगा, नहीं नाराज तो हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता नहीं किसी का नाम, नहीं तो मैं तो बोलूँ यार, मेरे को सबके सबके नाम नाम, याद है हमें, मुझे भी, मुझे सबके क्योंकि भी रोज ही नाम। रोज ही कमेंट करते हैं ना सब, इसलिए बहुत अच्छा लगता रेगुलर है। का सलामुअलैकुम, आज हम आपके लिए लेके आए एक और बेहतरीन पेशकश बाय ड्रलिस एर्थुरल सीज़न 4 एपिसोड नंबर 60। एपिसोड नंबर 60 बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज एर्थुरल भाई, गुलनाल पसरदार, सुंगुरतगिन भाई, तुरगुत भाई, बंसी भाई, कुत भाई, सारे भाई अपने गए हैं सोगुत। सोगुत में वहाँ पे जो हमारा जो किलेदार है, बेलेजिक का किलेदार नहीं, जिम्मेदार, तो वो घात लगा के बैठा है जहन्नम, जहन्नम के सिपाहियों के साथ, जो जहन्नम में ही वापस जाने वाले हैं, मे भी आज चले जाएंगे, उनका लास्ट दिन है आज। लास्ट अलग दिन। अलग तरह के उनके लिबास होते हैं, इधर टिक्का विक्का लगाते हैं, इधर मस्त इधर कुछ तो भी इधर करते हैं, लगाते हैं, और आंखों में लाली पाते हैं, काजल। और एक तो ऐसे ऐसे करता रहता है, और एक वो टकलिया इधर ऐसे क्रॉस लगाता है, दो दो क्रॉस होते हैं उसके, और वो दाढ़ी मस्त रखी है, मूछें नहीं, और इधर टीके वीके, और मस्त ऐसे दो तलवार लेके ऐसे खड़ा हो जाता है, भाई बड़ा कॉमेडी थोड़ा लगता है भाई। डेंजरस सो गाइज, आप सबसे एक दरखास्त है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ये है हमारा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको ID भी दी हुई है, एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अर टाइम, लेट्स लेट्स स्टार्ट स्टार्ट आवर अ वीडियो। वीडियो। किड़ी दोस्त, एक किड़ी इधर बैठे लिए। अंधी वफादारी हकीकत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है।
ये अपने बाबा को ढूंढ रहा है। इसी टाइम पे कोपू ने बचाया होगा इसको पक्का। आ गया कोपे के? नहीं नहीं सिपाही है। ये कोपे के? कोपे के? तगड़ा भी लग रहा है ना बॉडी बीड़ी। भाई साहब पहचान में नहीं आ रहा था, पास से आके देखा तो समझा। कान क्या लटक रहे इसके साइड में। इसलिए विश्वास नहीं होता था उसमें। आ गए फुफड़। शाम बिछाया
ये देख जहन्नुम के सिपाही। ये वही टकलिया है वो जो दो दो गया। अबे तुर्गुत भाई जैसा कुल्हाड़ा चला नहीं सकता तू। तोते उड़ गए इसके। येड़े सुन तो ले पहले। याड़ा हाँ क्या किरतोस पतली पतली लत्तों के साथ। तो देख उसकी भाई उतरी पीछे देख हमारे बंदे। हाँ रे देखा। हाँ ये देख। अबे तो देख तेरे फुफ्फड़ आ गए पीछे से। जाल तो बेटे तुम्हारे लिए बिछाया हमने। ये सिपाही तेरे जहन्नुम के सिपाही होते हैं, हमारे जन्नती सिपाही होते हैं। बहुत लेट समझा है भैया, अभी मुंडी कटवाओ इधर से फिर जाओ। कितना मुश्किल होता होगा ना मारना वो उसके साथ, वो भाला जो रहता है। Thank you.
तुर्बित भाई भाग रहा है अभी सुंगरतन भाई उसके पीछे जा रहे। अच्छा उसको पकड़ो यार, भागना जाए फालतू में यार मेरे से। ये जहन्नम के सारे सिपाही मर गए और बेचारे जहन्नम में जाओ, जहन्नम के सिपाही हो तेरी भाई। खून कैसे निकलता है ना, ऐसे बुलबुले आते हैं भाई डायरेक्ट बाहर, छींटे मतलब खून के। और बाप ये देखो अपनी मैक्सी ऊपर उठा के भाग रहा है। ध्यान से भाई, गिर गिर ना जाइयो, हमला करो। अरे बेवकूफ, आजा तू आजा अभी। हाँ। भगोड़े ये देखो जमींदार बनाइए बेवकूफ। कौन बनाता है रे इनको जमींदार? ये सिर्फ बोलने लायक होते बस, बस ऊपर बैठ के बोलते हैं, अरे ये करो, इधर हमला करो, उधर हमला। अरे तू खुद हमला करके दिखा पहले। इनका टेस्ट लेना चाहिए जमींदार बनाने से पहले। 10 लोग को अकेले
ए भाई मत कर ऐसे कोपड़े। ए भाई ये सच में तो नहीं मार रहा कहीं? चलता देख कैसे इबलीस है। इबलीस कोई शहीद तो नहीं हुआ तुम पर, शुक्र है कोई शहीद नहीं हुआ भाई। माशा शुक्र है। जख्मियों की मरहम पट्टी करो और अगर उनमें कोई ज्यादा जख्मी है तो उसे अकेले लेकर जाओ, जैसा आपका हुक्म भाई। अपने बंदों का ख्याल रखते हैं ऐसे ऋतुल भाई, ऐसा होता है लीडर। बोल दे मुझे क्या तलब किया था उसने? अमीर सादत दीन भर मेरे लिए तुम्हारी मौत से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं हो सकती। बाप रे देखा तुम्हारी मौत में बेहतर है अर्थ। ये तुम क्या कह रहे हो क्रिटोस? अमीर सादत दीन सऊद को अमन के लिए नहीं सिर्फ अर्थ की मौत के बदले दे रहा है हमें। जब तुम्हें अपनी जान का खौफ हुआ तो अमीर हसन का बहुतान लगाने लगे। तुमने देख लिया उस वक्त क्या होगा जब हम यहां आकर बस जाएंगे। कहीं दोस्त संभालो इसे सिपाही। चाहे कोई भी आ जाए भाई लटका दो। मैं तो बोलता है ये बाद में पीछे से वार करेगा।
सोउत है, कुछ कहना चाहते हैं? सोगुत नहीं, सोउत बोलते हैं उसको, जी साइलेंट है। मैं आपकी बहादुरी की दांत देता हूँ अर्थुर सरदार, लेकिन मैंने जो सुना उस पर यकीन की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। अरे यार फिर से समझता नहीं है हमारा भाई। तुमने जाल बिछाया मेरे लिए? हाँ। मैंने ये जाल नहीं बिछाया साथी। कौन है ये? पहली बार लड़ रहा है। हाँ पहली बार लड़ रहा है ये। अबे अबे बाप रे। लड़ना आता है हमारे कोपू को। किसने भेजा है तुम्हें यहां? बताओ जवाब दो। अरे बाबरी, उसने बोला था ना उसको, याद है? माबरी 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 का तो मलिका है माबरी। माबरी ने अपने बेटे को मुश्किल में डाल दिया है। कुछ तो करना पड़ेगा सुल्तान अपने को। अगर जरूरत पड़ी तो खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी मैं।
अरे सुल्तान, उसको डायरेक्ट कत्ल करो ना, इधर सामने रख के उसको। सर सीधी सी बात है, क्या टेंशन लेते हो आप? जैसे इत्रुल भाई आते डायरेक्ट उड़ा देते गर्दन। हाँ। वैसे मार दे भाई, मार दे उसको। अरे चाकू मार इसके। देख रहे हैं अब हम क्या करेंगे मेरा सर? हमें जाल में फंसाने वालों को जाल बिछाने का सबक सिखाना है। मेरा नाम सात तीन को बैंक है, कोई भी मुझ पर अपनी जाल नहीं आजमा सकता। ठीक है, को बचा लिया उसने। अब तुम्हें जान बिछाने वालों का इल्म हो गया होगा। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो उनसे यूं ना लड़ता। क्या भी तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं कुबैक? क्या ये ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे बड़ा करता है ऐसे। हाँ, अहमद ऐसा करता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पकड़ के लाए इसको बेचारा छोटू सा, तरस आ रहा मुझे उस पर। चला के लेके आया, भागते भी नहीं आता उसका, खरगोश जैसे भागता। फिजिकल टेस्ट में फेल, मेंटल टेस्ट में फेल। कुछ टेस्ट इसका कुछ पास नहीं है बंदे का। सुल्तान का मक्तूब आया है। अरे वही वाला फरमान है। सुल्तान गयासुद्दीन आला हजरत के फरमान पर कारा जैसार किले से और सरदार आला के मंसब से अर्तुरुल सरदार को बरतरफ किया जाता है। कारा जैसार किले के नए हाकिम और सरदार आला गुनाह सरदार मुकर्रर किए गए हैं। ये नहीं कह रहा है, कोपिक ने कहलवाया है। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रहे हो? सरदार आला का मनसब भाई से कोई नहीं ले सकता। यकीनन ये फरमान जारी है। सुल्तान की मोहर लगी है इस पर, आप देख सकते हैं। तुम्हारे ख्याल से हम ये किला आसानी से दे देंगे? फरमान के खिलाफ अगर किसी ने भी जुर्रत की तो उसे सुल्तान और रियासत के खिलाफ बगावत समझा जाएगा। आपको
कोपेक कुतरा है कोपेक का मतलब होता है कुतरा है वे रोने की शक्ल बना देता है उसको पसंद नहीं आता ना आला हजरत है उसके लिए आला हजरत अरे कौन सा भाई कुछ भी ये क्या इतनी क्यों तामीर करते हो कम की क्या हो गया तुमको हमारा अहमद दोनों साइड से खेल रहा है एक नंबर उधर किरितोस और इधर ये कोपड़ी माशाल्लाह एक बात याद रखना वक्त आने पर तुम्हें इसका हिसाब देना तुम्हारा सरदार अब सरदार आला नहीं रहा अपने हुदूद में रहो तो बेहतर है अबे तू अपने हुदूद में रहे क्यों हमारे सरदार आला कुनाल सरदार
ये कब हुआ? ऐसे गुनाह सरदार कर ही नहीं सकते। हाउ इट इज पॉसिबल? ये था हमारा रिएक्शन ऑन ड्रिलिस एथरुल सीजन 4 एपिसोड नंबर 60। बहुत बेहतरीन था। कल वाला एपिसोड देखने वाला कि क्या होगा, बिकॉज सरदारी आला का मन सब चला गया है, हमारा किला भी चला गया। अभी देखते हैं क्या होता है आगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले।